प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 2010 और 11 का क्वेश्चन है, एएमयू 11th एंट्रेंस का क्वेश्चन। थियोरिटिकल है, कॉनकेव मिरर पर है, लाइट चैप्टर से है। क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं बच्चों, एक कॉनकेव मिरर है, उसकी जो इमेज है वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर है। ऐसा सिर्फ एक ही वक्त होता है, या एक ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां पर होगी, ये होगी, दिस इज द इमेज, है ना। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर, राइट। तो बिहाइंड द मिरर बनती है। ये कब बनती है, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। क्या बात समझ में आती है, तो ऑब्जेक्ट जब भी पोल और फोकस के बीच में होगा ये तभी बनेगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। बच्चों एक बात और याद रखनी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही फोकस होता है, उसी को प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं। जहां पैरेलल लाइन मीट करती है उसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और ये नेगेटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है क्योंकि, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर डी होने वाला है। बच्चों इस तरह के जितने एमसीक्यूज हैं, जितने पीवाईक्यूज हैं पिछले 20 सालों के अंदर हर सब्जेक्ट के, वो लगा दिए गए ना सिर्फ एमयू 11th एंट्रेंस के, बल्कि बीटेक के, बल्कि आईआईटी जेई के, और आपके नीट के, ओके, ऑल सब्जेक्ट्स के। तो और उनकी पीडीएफ शीट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन पीडीएफ शीट को आप निकाल लीजिए, आप उसको मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे अगर प्रिंट निकलवाने के बाद, तो भी सॉल्यूशन खुल जाएगा। अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो भी सॉल्यूशन खुल जाएगा, ओके। और खास तौर से ये जो पीडीएफ शीट्स हैं बच्चों, ये बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करिए बच्चों में, ओके। थैंक यू वेरी मच।